गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, कौशल रावत ने मुझसे एक वर्ड पूछा है, अंडररेटेड। अंडररेटेड के साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह भी वर्ड समझाने वाला हूं, अनडेटर्ड। दोस्तों मैं अंडररेटेड के साथ साथ मैं आपको यह भी समझाने वाला हूं, अनडेटर्ड। अनडेटर्ड वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, न्यूज़पेपर में हमको देखने मिल जाता है। तो अनडेटर्ड वर्ड का मतलब, अंडररेटेड का मतलब क्या होता है, ये आज हम लोग समझने वाले हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है, मोस्टली स्पीकिंग करते समय ऐसे वर्ड्स न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि इनका मीनिंग क्या है। और स्पीकिंग में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं, अपनी भाषा को बहुत सुंदर बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, उसकी एक एक बात को समझिए, उसकी मीनिंग को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें, जिससे हर कोई इस प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीख जाए। तो चालू करें, वो वर्ड है अंडररेटेड। अंडररेटेड को अगर ध्यान दें तो रेट से बना हुआ, रेट। रेट लगाना यानी आंकना, किसी को आंकना, मापना, उसका मूल्य निकालना। तो अंडररेटेड का मतलब होगा अंडर वैल्यूड, कम मापना, कम मूल्य का बनाना। अंडर एस्टिमेटेड तो बहुत सुना होगा, डोंट अंडर एस्टिमेट मी पावर ऑफ मी, आपने सुना होगा, मेरे पावर को कम मत समझो मिस्टर। अंडर एस्टिमेट यानी कम आंकना। ट्रेवलाइज्ड, एक वर्ड है ट्रेवलाइज्ड, कम आका हुआ, कम महत्व दिया गया। जब किसी को कम महत्व दिया जाता है तब हम लोग यूज कर सकते हैं कि आई एम अंडर रेटेड, यू आर अंडर रेटेड, यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन बट यू आर अंडर रेटेड। बहुत से एक्टर्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि दैट एक्टर इज वेरी टैलेंटेड बट ही इज अंडर रेटेड, उसको कम आका गया है। तो आप भी अपने बारे में कह सकते हैं, ऑफिस में कह सकते हैं, जब आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी क्वालिटी अपनी लगा रहे हैं, अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा, तब आप कह सकते हैं कि सर आई एम अंडर रेटेड, यस आई एम बीइंग अंडर रेटेड, आप ये भी कह सकते हैं टेंस के अनुसार। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बीच में नहीं छोड़ेंगे, गुजारिश कर रहा हूं मैं आपसे। ही इज द बेस्ट एक्टर बट अंडर रेटेड, ही इज द बेस्ट एक्टर बट अंडर रेटेड, वह सबसे अच्छा अभिनेता है पर उसे कम महत्व दिया गया है। वे कब सबसे अच्छा अभिनेता पर उसे कम महत्व दिया गया है। यस, अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम रियली एन अंडररेटेड यूट्यूबर। दोस्तों मेरे बारे में नहीं है, किसी और के बारे में, आप ये मत सोचिएगा मैं अपने बारे में कह रहा हूं। आई एम रियली एन अंडररेटेड यूट्यूबर, मैं सचमुच में एक कम आका हुआ यूट्यूबर हूं, मैं सचमुच में कम आका हुआ यूट्यूबर हूं। दोस्तों और भी यूट्यूबर को देखो, वो कहां के कहां पहुंच गए हैं, उनकी वीडियो क्वालिटी, उनकी कंटेंट क्वालिटी कुछ नहीं, इसके बावजूद भी वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो ये सेंटेंस कह रहा है दोस्तों कि मैं एक कम आका हुआ यूट्यूबर हूं। आप यहां पर यूट्यूबर की जगह पर स्पोर्ट्स पर्सन लिख सकते हैं, आप यहां पर प्लेयर लिख सकते हैं, पॉलिटिशियन लिख सकते हैं, एक्टर, सिंगर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, एम्प्लॉई लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए, मैंने यूट्यूबर लिखा है। हाँ, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है, यस ये मत सोचिएगा मैंने अपने बारे में बोला है, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से, बहुत ज्यादा प्यार जिसको मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, इसलिए तो ये रोज प्यारे प्यारे वीडियो मैं आपके सामने बनाता रहता हूं और मजा आता, सचमुच में मजा आता है। दोस्तों ये मत सोचिए कि आई एम मेकिंग फन ऑफ यू, नो रियली नो दैट्स, हाँ। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट चल रहा है, इसलिए मैंने उसको कुछ दिन के लिए पोस्टपोन्ड किया है, बंद नहीं किया, पोस्टपोन्ड किया है, बहुत जल्द उसे मैं चालू करूंगा। यस, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्ड था अंडररेटेड, तो प्लीज इसका इस्तेमाल करें अगली बार। अब मैं आपको समझा रहा हूं अनडेटर्ड। अनडेटर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका मतलब होता अधिक, दृढ़ संकल्पित, एंथुसियास्टिक, एनकरेज्ड डिस्पाइट सेटबैक्स, डिस्पाइट सेटबैक्स, बाधाओं, रुकावटों, अड़चनों के होने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने काम में अडिग रहेगा, दृढ़ संकल्पित रहेगा, एकदम उत्साही रहेगा, जुनूनी रहेगा, तब हम लोग कहेंगे अनडेटर्ड, तब हम बोलेंगे अनडेटर्ड, आई एम अनडेटर्ड, बहुत ही एनकरेज्ड, बहुत ही एंथुसियास्टिक, इतनी सारी अड़चनों के बावजूद अगर आप वहां पर टिके रहते हैं, अडिग रहते हैं, तब आप बोलेंगे आई एम अनडेटर्ड, या एडजेक्टिव है।
तो दोस्तों समझते हैं कुछ सेंटेंस को. मेनी क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड, मेनी क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड इवन देन दे आर अनडेटर्ड. कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, पर इसके बावजूद भी वे बिल्कुल अडिग हैं, कोई डर नहीं उनको. मिलिटेंट्स के बारे में कह लीजिए, क्रिमिनल्स के बारे में कह लीजिए, टेररिस्ट के बारे में कह लीजिए, वे बिल्कुल अभी भी लगे हुए अडिग है, बिल्कुल अपने काम को अंजाम दिए जा रहे हैं. आई डोंट नो क्या कारण है, लेकिन ये तो नेगेटिव सेंस में है. लेकिन दोस्तों हम पॉजिटिव सेंस में भी अनडेटर्ड रह सकते हैं, अनडेटर्ड रह सकते हैं. अपने गोल को पाने के लिए हम लोग अनडेटर्ड रह सकते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम अनडेटर्ड रह सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड बी अनडेटर्ड टू गेट आर गोल. देखिए मैं कह रहा था ना, आप गोल को पाने के लिए अनडेटर्ड रह सकते हैं. वी शुड बी अनडेटर्ड टू गेट आर गोल. हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए अडिग रहना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए, उत्साही रहना चाहिए, जुनूनी रहना चाहिए. कितनी रुकावटें आए, हमें अनडेटर्ड रहना चाहिए. सेंटेंस कह रहा है और आप इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं, अमल में ला सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं. दोस्तों नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज अप टू यू. नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस बट नॉट लीस्ट, इसके बाद आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना है. आई विल रिमेन अनडेटर्ड, मैं अनडेटर्ड रहूंगा. आई विल बी अनडेटर्ड डिस्पाइट मेनी सेटबैक्स, कई रुकावट के बावजूद मैं अनडेटर्ड रहूंगा, कई रुकावटों के बावजूद मैं अडिग रहूंगा, जुनूनी रहूंगा, उत्साही रहूंगा, दृढ़ संकल्पित रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है. तो ये था टॉपिक. मुझे उम्मीद है आपको सभी को टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही काम का है, उपयोगी है. ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको नहीं लगता कि आप अपने इंग्लिश में सचमुच में चार चांद लगा सकते हैं और अपने लैंग्वेज को अफेक्टिव, डेकोरेटिव, इंप्रेसिव बना सकते हैं. लेकिन पहले प्रैक्टिस करना है, इसको पहले बोल के भी देखना है, नहीं तो कुछ का कुछ निकलना है आपके मुंह से. अंडररेटेड, अनडेटर्ड, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी करना है, उसके बाद बोलने की कोशिश करना है, नहीं तो सब कुछ गड़बड़, उल्टा प्रभाव पड़ेगा. सामने वाला बोलेगा भैया बोल नहीं पा रहा तो हिंदी बोल दे उससे अच्छा, तब और बड़ी इंसल्ट. इसलिए पहले प्रैक्टिस करें फिर बोलने की कोशिश करें, ताकि कोई ये ना बोल पाए कि भाई नहीं बन रहा है तो हिंदी बोल दे. यस, ये नौबत नहीं आनी चाहिए दोस्तों. नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम कर सकते हैं. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आपको पता है दोस्तों. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर कोई इस प्रकार की इंग्लिश में वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीख जाए. और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में इतने सारे टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसमें मेरे टॉपिक और आपके टॉपिक भी रहेंगे, जो हमारे इंग्लिश को अफेक्टिव, इंप्रेसिव, डेकोरेटिव बनाएंगे और हमारी भाषा में क्या चार चांद लगा देंगे. या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बहुत मजाक हो गया आपको. थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए. दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ. धन्यवाद, थैंक यू.